दोस्तों मैं टाउनशिप से रामा मंडी के लिए निकल चुका हूँ और रास्ते में बहुत सारे खेत हैं। ये धान की फसलें लगी है, साइड में देखो एकदम हरा भरा दिख रहा है। काफ़ी टाइम से लोगों का कमेंट आ रहा है कि रामा मंडी का वीडियो बनाओ, तो मैं सोचा कि चलो चलते हैं रामा मंडी का वीडियो बनाते हैं और घूम भी लेते हैं। काफ़ी लोग रामा मंडी से बाहर रहते हैं या रामा मंडी से चले गए हैं तो उनको अच्छा लगता है रामा मंडी का वीडियो, तो मैं सोचा कि चलो एक बार और बना लेते। मैं बहुत बार आया हूँ रामा मंडी घूमने के लिए, तो बहुत सारी स्टोरी भी है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और दोस्तों ये वीडियो आप पूरा लास्ट तक देखना। और मैं साइकिल से जा रहा हूँ और साइकिल भी अच्छे से चल नहीं रही है, तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही है दोस्तों, बट कोई ना पहुँच जाऊँगा। रास्ते में बहुत सारे किसान लोग मिले खेतों पे मेहनत करते हुए, धूप में पसीना बहाती हुई। ये देखो दोस्तों काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक रीज़न ये था साइकिल में आने का कि एक्सरसाइज भी हो जाएगा, तो उसके लिए मैं साइकिल में आया। आजकल वैसे भी साइकिल काफ़ी ज़्यादा चला रहा हूँ मैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं सोच रहा हूँ कुछ महीने के बाद बाइक ख़रीद लेता हूँ यार, क्योंकि ब्लॉग बन नहीं पाता और हम मेरे पास कुछ साधन भी नहीं है, तो इसलिए ख़रीदना पड़ेगा। रास्ता काफ़ी सकरा है लेकिन बड़े बड़े ट्रक भी चल रहे हैं दोस्तों। अब बस ही कुछ टाइम के बाद हम रामा मंडी पहुँचने वाले हैं। कैमरा रखने का कोई जुगाड़ नहीं है साइकिल पर, तो ये मैंने सेटअप बनाया है, ये देखो बांध रखा है जुगाड़ से, तो इस पर रखेंगे कैमरा, फिर ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे रामा मंडी का। संडे का दिन और हम लोग रामा मंडी आ गए हैं, तो अभी देखते हैं कहाँ तक जाएंगे। रामा मंडी आ चुका हूँ और यहाँ के कुछ दुकानें बंद है, ऐसा लग रहा है कि आज संडे है उसकी वजह से बंद होगा। दोस्तों एक बार क्या हुआ था, करीबन एक साल पहले मैं रामा मंडी आया था कुछ सामान खरीदने के लिए और रात के 8 बज चुके थे, तो मैं जैसे ही रामा मंडी से निकला टाउनशिप के लिए, तो 1 किलोमीटर के अंदर मेरी बाइक रुक गई थी। रुक इसलिए गई थी क्योंकि उसमें पेट्रोल ख़त्म हो गया था, तो मेरे को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी। मैं वापस लेके जा रहा था बाइक, बट रास्ते में एक भाई आ रहे थे, तो उन्होंने बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे उन्होंने बोला कि कुछ हेल्प चाहिए, तो मैंने उनको बताया कि मेरी बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गई है, तो उन्होंने मेरे साथ गए पेट्रोल टंकी पेट्रोल लेने और उन्होंने मेरी हेल्प की। मतलब राव मंडी में जो लोग हैं यहाँ पे हेल्प भी कर। अभी थोड़ा मार्केट के साइड चलते हैं घूमने के लिए, तो चलो चलते हैं आराम से। और मैं साइकिल पे हूँ, आराम से मस्ती के साथ घूम रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ। रामा मंडी में हर तरह की दुकानें मिल जाएगी और रामा मंडी में रामा रेलवे स्टेशन भी है। रोड के बगल में है श्री बालाजी कंप्यूटर्स की दुकान और रोड के जस्ट सामने है HDFC बैंक रामा का। और यहाँ से हम मोड़ से मुड़ जाएंगे, आगे चलेंगे मार्केट की तरफ। कई लोग रामा मंडी में रहते थे या रामा मंडी के बाहर चले गए हैं रहने के लिए, तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आता था कि भाई रामा मंडी का नया वीडियो बनाओ। एक साल पहले मैंने रामा मंडी के ऊपर एक वीडियो बनाया था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा व्यू आए थे, तो उसी में कमेंट आते हैं कि भाई कोई नया सा वीडियो बनाओ। तो इसी पर्पज़ से मैं आया हूँ रामा मंडी में वीडियो बनाने के लिए, और ये वीडियो छोटी पड़ जाएगी इसलिए मैं एक दो और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, और जिससे कि लोग ये वीडियो देखेंगे और उनकी यादें ताज़ा हो जाएंगी। और रामा मंडी में हर तरह की दुकानें मिल जाएगी आपको, खाने से लेके पीने से लेके या कुछ आपको सामान चाहिए, हर तरह की दुकानें यहाँ पे उपलब्ध हैं। आज भीड़ कम है रामा मंडी में, वैसे देखा जाए तो रामा मंडी में भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है। और रामा मंडी के पास में ही HMEL रिफाइनरी, और वहाँ पे जो लोग काम करते हैं वे रामा मंडी में रहते हैं, जिसकी वजह से रामा मंडी में भीड़ रहती है। और यहाँ पे है पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, और बगल में SBI का ATM, और इसके जस्ट सामने है रामा मंडी का पोस्ट ऑफिस। और गौ माता को करते हैं प्रणाम और हम लोग जा रहे हैं आगे। और ये भाई साहब पता नहीं क्या सामान लेके जा रहे हैं, कुछ तो ज़रूर रखे हैं। और बगल में है आइसक्रीम का ठेला, और आगे चलते हैं, यहाँ पे भीड़ लगी है क्योंकि यहाँ पे है साइकिल की दुकान। धीरे धीरे हम आगे चलते हैं और ये 3 लड़के आ रहे हैं मस्ती में घूमते हुए, और यहाँ पे खड़ी है अल्टो और हम लोग जा रहे हैं आगे। और ऐसा लग रहा है कि सामने गड्ढे हैं, रोड ख़राब है यहाँ पे, ये देखो रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ है, इस पर ऐसा लग रहा है काफ़ी समय से काम हुआ नहीं है। और इसके जस्ट आगे रोड तो यहाँ पे सही है, और बगल में है मिठाई की दुकान, यहाँ पे मैं जलेबी खाया हूँ काफ़ी टाइम पहले। और आगे फिर से रास्ता ख़राब है, और बीच में सही है, आगे पीछे दोनों साइड रास्ता ख़राब है। यहाँ पर है केक और पेस्ट्री की दुकान, और इसके आगे है मेडिकल स्टोर, साथ में है जनरल स्टोर। रामा मंडी में हर तरह की दुकानें मिल जाएगी। आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या है। और सामने हमारे सरदार जी जा रहे हैं अपनी कार में और हम जा रहे हैं अपने
साइकिल में। दोस्तों टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं निकल रहा हूँ अपने रूम के लिए। और ये आ गया है रामा मंडी का फाटक, और अभी फाटक बंद था इसलिए भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, और आराम से मैं निकल जाऊँगा यहाँ से। तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों रामा मंडी का ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के घंटे को दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको प्राप्त हो सके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।